वेलकम सभी दोस्तों का, आपका स्वागत है सिनेमा की रिलीज पर। बहुत अच्छी अच्छी खबर आज सुनने को मिली। अफकोर्स कोरोना वायरस से देश डरा हुआ है, लेकिन अच्छी खबर ये सुनने को मिली कि साउथ इंडस्ट्री के कई सारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स अब दिल खोलकर आगे आ रहे हैं और कहीं ना कहीं डोनेट कर रहे हैं। सबसे पहले नाम जो मुझे सामने नजर आया सुबह सुबह, पवन कल्याण का। तेलुगु फिल्मों के जाने माने अभिनेता पवन कल्याण ने 2 करोड़ डोनेट किए हैं। 1 करोड़ प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। वहीं 1 करोड़ उन्होंने, मतलब 1 करोड़ तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिए है, उसके अलावा बाकी 1 करोड़ उन्होंने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सीएम रिलीफ फंड को दिए है, यानी 50-50 लाख ईच। यानी कि 2 करोड़ की एक जरूरी अनुदान उन्होंने दिया है और इसके लिए हम यही कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई और है ना, उनकी अप्रिशिएशन करने के लिए कोई और चीज नहीं है। इसके अलावा महेश बाबू ने 1 करोड़ रुपए तेलंगाना आंध्र प्रदेश सीएम रिलीफ फंड को दिए है। चिरंजीवी साहब ने 1 करोड़ दिए है। रामचरण ने 70 लाख दिए है। बल्लाया नाम के एक एक्टर है, उन्होंने भी 1 करोड़ के आसपास का एक अनुदान, 1 करोड़ नहीं, 10 लाख का कुछ अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा नहीं बट बहुत कम भी, 10 लाख के आसपास है आई फील। हाँ, और प्रभास ने हाल ही में 1 करोड़ का अनुदान दिया है और प्रभास की जो चीजें वो अभी ट्रेंड हो रही है कि प्रभास इज गिवन 1 करोड़ टू आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना रिलीफ फंड। सो यहाँ पर मुझे खुशी है कि बॉलीवुड, अभी तक बॉलीवुड के एक्टर्स बहुत ज्यादा देते हुए नजर नहीं आए। कुछ ऋतिक रोशन और कपिल शर्मा ने ही अभी तक अपने हाथ खोले हैं, फाइनेंशियल तरह से हेल्प की है। मैं चाहता हूँ साउथ इंडस्ट्री के जो सुपरस्टार्स जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त पर कोरोना वायरस के कहर से देशवासियों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने के लिए, उन गरीब, उन लाचार जिनके पास 2 वक्त का खाना पहले भी नहीं होता था, उनकी हालत फिलहाल क्या होगी, उनके लिए जो मदद कर रहे हैं ये बड़े बड़े सुपरस्टार्स, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि आप जबान से कितना भी बोलो मतलब नहीं है ना, किसी का पेट से जबान आपकी आपकी बड़बड़ से किसी का पेट नहीं भरने वाला है। आपके कुछ सपोर्ट से, फाइनेंशियल सपोर्ट, गेहूं, चावल, आटा है ना, दाल, इन सब के सपोर्ट से लोगों का पेट भरेगा। तो मेरे ख्याल से बाकी बॉलीवुड एक्टर्स या बाकी जो भी एक्टर्स जो साउथ इंडस्ट्री में कहीं के भी हो, वो सबको एक साथ में मिलकर इसी तरह से सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, आम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि ये आम ही लोग है जो आपको आम से खास बनाती है, बड़ा सुपरस्टार बनाती है। तो उन आम लोगों का अगर आप आज ध्यान रखोगे तो वो आम लोग जिंदगी भर आपका सपोर्ट करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो ये वक्त की घड़ी है, कड़ी परीक्षा की घड़ी है, ऐसे में मुझे बहुत खुशी है या प्राउड है इस न्यूज को बताते हुए कि बिगेस्ट डोनेशंस आर बीइंग कमिंग इन इंडिया फ्रॉम साउथ इंडिया। एंड आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, आप किसी तरह से किसी गरीब लाचार की मदद कर सके फाइनेंशियल तरीके से, तो प्लीज करिए। किसी भी तरह से किसी भी तरह से आप मदद कर सकते, फाइनेंशियल ही नहीं बल्कि किसी और तरह से भी कर सकते, खाने पीने प्रोवाइड करना चाहे या कच्चा खाना या पका के खाना देना, करिए, प्लीज करिए। दिल बड़ा रखिए, पैसा लेकर मतलब नहीं, कहीं कोई जाता नहीं है, मर के ऐसे ही जाता, राइट। दिस इज द टाइम टू यूटिलाइज योर मनी इफ यू हैव अबंडेंट मनी, आपकी जो बेसिक नीड्स है वो जरूरत पूरी हो, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा मनी है तो प्लीज यूटिलाइज कीजिए। ये 2-3 महीने का ये जो सफर है ये हम सबको मिलकर साथ में काटना है। एंड वी इंडियंस ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर एंड दैट इज व्हाट वी नोन अक्रॉस द वर्ल्ड, इसलिए हम जाने जाते हैं। सो दिस इज द नीड ऑफ द आवर एंड बेटर कीप सपोर्टिंग अंटिल अनलेस वी थ्रो आउट दिस कोरोना, दिस शिट वायरस फ्रॉम आवर कंट्री। Bye-bye.